चलिए दर्शकों, मैं आप लोगों को एक चैलेंज देता हूँ। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बहुत बाकी है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। आंखी सीखी के काम हो गए, ताकत छू बोल पे। I love you। मैं फॉर्चुनेट रहूं ये फिल्म के मामला में कि ये दोनों कलाकार मुला मिलिस। मोर मम्मी पापा मुला बोले रहिस, अरे यार एक्टिंग करना, डांस करना। पापा एक्टर है, मम्मी बहुत अच्छी डांसर है, मोर दादी पोएट है। ओखर बाद भी मैं कला के क्षेत्र में कुछ ट्राई नहीं करे रहे हूँ। एज ए हीरो एमा डेब्यू होवत है, पर मोर डेब्यू 2003 में ही हो गए रही से। मैं एक्चुअली मॉडलिंग में हूँ 4 साल से। डिकैथलॉन में जॉब कर रही थी तब मुझे अचानक से इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के थ्रू ऑफर आता है फिल्म का। ऑडिशन दिया मैंने, वो ऐसे गुंजन बनी राधिका। वो टीम बहुत स्ट्रांग है, काबर के एकर पीछे एक मेन रीज़न है कि हमारे टीम के मैक्सिमम जिन टॉप लेवल के बंदा है सब हाईली क्वालिफाइड है। तो ये फिल्म टेक्निकली आप मतलब बहुत इम्प्रूव दिखाई दी है। टेक्निकली कह के मतलब है, जैसे आज हम मतलब साउथ इंडियन फिल्म क्लियर दिखाई देते, शॉर्ट टेकिंग होते होकर खूबसूरत तरीका से हर इमोशंस के हिसाब से शॉर्ट कट थे, पर ये फिल्म गारंटी देवा तो एक एग्जांपल सेट करें और छत्तीसगढ़ के फिल्म इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में अपन महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाए। बाकी अपन कोती ले हमन पूरा ईमानदारी से पूरा मेहनत करें हैं, दिल लगा के ये फिल्म ला बनाए हैं। तो उम्मीद है कि आप मतलब बहुत मजा आने वाला है 8 जुलाई के। जय जोहार सगवारी हो, आप मन दलोक मीडिया देखा था, मैं हूँ तेज। सो के नाम सीला फल संग पहुँचा टॉक विद तेज। सीला फल कहाँ हवे? हवे यहाँ, हवे स्वाद में, हवे छत्तीसगढ़िया। जिन्हें अभी हमन बात करा था, अपन संजू की दुल्हनिया फिल्म के बात करा था, ये फिल्म के एक्टर है, एक्ट्रेस है और डायरेक्टर महोदय हवे। गोड बात करबो, जानबो कि कैसे सिनेमा क्षेत्र में माना आगे बढ़ा था ये फिल्म ला लेके। सबले पहले तो स्वागत है आपके, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार संगवारी हो, तेज भाई के साथ इंटरव्यू आप मन देखने वाला हो, खूब मजा आने वाला है आप मनला संजू के दुल्हनिया के बारे में सुन के। तो लक्षित जिन हाँ, लक्षित जितना स्मार्ट दिखा था भाई, उतना खूबसूरत आप ट्रेलर जाके आप देखो तो वो में कैरेक्टर खलो खा भाई। आपके बारे में, लक्षित के बारे में बात करते हैं कि संजू और लक्षित। सबसे पहली जय जोहर संगवारी हो, मोर नाम है लक्षित झान जी और आप मन बहुत जल्द मोला संजू के रूप में देखू फिल्म संजू के दुल्हनिया माँ। 8 जुलाई के अवैया है आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में। गाना वगैरह आगे है, ट्रेलर वगैरह घलो आगे है, जाओ देखो, मैं दुलर बनाओ। ठीक बात, अब हीरोइन के बात होते, खबर की होते कि हम इसे देखा सर, हीरोइन बाजू में जब बैठे रहते तो बाजू हवे तो वो गुंजन हवे नाम, और अग्रवाल जी राधिका कैरेक्टर में आए थे। गुंजन और राधिका स्वागत। जय जोहार संगवारी हो, तो मेरा नाम है गुंजन अग्रवाल और मेरा कैरेक्टर का नाम है राधिका, और राधिका आप लोगों को बहुत ही चुलबुली लगेगी और बहुत कॉन्फिडेंट है और मतलब बहुत स्वीट सी है और बहुत मस्ती करती है। तो ट्रेलर वगैरह आ गया है, देखिए हमारी फिल्म आ रही है 8 जुलाई को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में, तो अपना प्यार और आशीर्वाद हम पे ऐसे ही बनाए रखिए। बिल्कुल, अब आशीर्वाद की बात हो रही है और अब जो है दोनों तो है फिल्म में, दोनों जन हाँ फिल्म में, दोनों जन कैसे आए इस फिल्म में? डायरेक्टर साहब देवांगन जी, नितेश देवांगन जी। देखो भैया, कोई भी कलाकार ला चुनना फिल्म में डायरेक्टर पर चैलेंज होते, यहू फिल्म में चैलेंज रही से बहुत तरह तरह के, सब गोट बात आप मान ले कहीं नहीं जा सके। लेकिन जैसे हमारे छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में है, मोर गारंटी है कि अभी तक आप मैंने ऐसे कलाकार नहीं देखे। मैं कोई कलाकार के बुराई नहीं करत हूँ, लेकिन हमार फिल्म के रिक्वायरमेंट रही इसके लड़का जो इन हो है वो यंग रहे 20-22 साल के, लड़की जैन है वो यंग रहे 18-20 साल के, वुमन के कलाकारी बहुत अच्छा से दिखाई दे सुनाई दे। तो मैं फॉर्चुनेट रहे हूँ ये फिल्म के मामला में कि ये दोनों कलाकार मुला मिलिस और वेमन के साथ में ये फिल्म ला बनाए के काम कंप्लीट कर सके, और आप मतलब देख के बहुत मजा आने वाला है दोनों का। बिल्कुल, हम सिनेमा की बात कर रहे थे तो वो थोड़ा सा हम अंदर जन है, आप में एक अभिनय बतौर अभिनेता घलो के मैं आऊँ है ना, एक पहली जन जिंदगी हाँ भाई सिनेमा के क्षेत्र में आप आ था, संजू की दुल्हनिया फिल्म बना था वो, अपन बारे में जन है सिनेमा के बारे में दोनों के सहयोग। देखो भाई संगवारी हो, मोर नाम है हितेश कुमार देवांगन। बेसिकली हमार टीम जो संजू की दुल्हनिया की टीम है वो टीम बहुत स्ट्रांग है, काबर के एकर पीछे एक मेन रीज़न है कि हमार टीम के मैक्सिमम जिन टॉप लेवल के बंदा है सब हाईली क्वालिफाइड है।
हाईली क्वालिफाइड में ये फिल्म के कहानी लिखे हैं मैं और महेश सर, और महेश्वर नाग सर है एडिशनल SP, तो कहानी ओकर है, बाद में इला हमन मिलके डेवलप करें। एक अलावा जिन हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर है गीतिका चंद्राकर जी, वो BTEC करे हुए हैं, मैं खुद MCA करे हूँ, और ओकर बाद MCA करे के बाद मैं फिल्म के पढ़ाई करे हूँ, डायरेक्शन के कोर्स करे हूँ दिल्ली AFT यूनिवर्सिटी से। ओकर बाद घिसाई चालू हुई इस मुंबई में 2008 से, वो घिसाई में सिखाई घिसाई, कभी ऊपर कभी नीचे, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करे के मौका मिले, जैसे एडिटिंग होगी, कैमरा होगी, डायरेक्शन होगी, ये सब के निचोड़, यहाँ तक कि VFX भी, तो ये सब के निचोड़ आप ला ये फिल्म में दिखाई दी, काबर के अनुभव के साथ ही कोई चीज़ बेहतर तरीके से करा जा सकते, और मोला लगा थे कि ये फिल्म में मैं बहुत अच्छा काम करे हूँ, और शायद आप मनला भी अच्छा लगे। बिल्कुल, अब जिन बात है सब है काबर की, जब जिस पृष्ठभूमि में आते तो आदमी सीखते पढ़ते, उसके बाद जब आगे बढ़ते तो आउटपुट में सबके ध्यान देते। ये कैसे नाम छत्तीसगढ़ में जी, छत्तीसगढ़ के अलग अलग सिनेमा में आप मन देखता हो तो वो जिन हब है वो नाम जिन हब है वो जिन पिताजी घलो गाते हैं वोकर बाद जिन एक ऐसे लड़का हब है वोकर बारे में हम बात करबो, सिनेमा और आप कैसे एंटर करते हो? देखो बहुत जन ये सोचते कि मोर पापा पहली ले ये इंडस्ट्री में है, तो मैं बचपन से रजनीश झांझी जी, तो मैं बचपन से एकदम एक्टिंग में ध्यान दे रहा हूँ, ऐसे नहीं है भाई, मैं भी साधारण इंसान हूँ। बचपन मोर बहुत सारे खेल में निकले हैं, क्रिकेट हो गए, फुटबॉल हो गए, एथलेटिक्स हो गए, स्विमिंग हो गए, बहुत कुछ करे रहे हूँ मैं। हाँ मोर मम्मी पापा मोला बोले रहे अरे यार एक्टिंग करना डांस करना, पापा एक्टर है, मम्मी बहुत अच्छी डांसर है, मोर दादी पोएट है, ओखर बाद भी मैं कला के क्षेत्र में कुछ ट्राई नहीं करे रहे हूँ। फिर ऐसे ही होते होते 11वीं में मोर एक दोस्त रही से, तो वो मोला बोले रहीस कि यार लक्षित एक बार डांस करना, करके तो देख का हो ही। मैं बोला चल यार पीछे कर लूँ, पीछे खड़े होकर डांस कर लूँ करके, तो करे रहे हो। तो प्रैक्टिस जब चलत रही से तो किस्मत रही से कि मैं सबसे अच्छा डांस करते रहे हूँ, तो ऐसे ही करत करत फ्रंट डांसर बन गए रहे हो। तो फिर शो हो रही से, तो जब शो हो रही तो मोर जो दोस्त रही से और जो बाकी जन जो हमारा डांस देखत रही से मतलब मोर डांस बहुत अच्छा लगी, तो मतलब बोले कि यार तय तो बहुत बढ़िया डांस करता है यार। मैं बोला ठीक है यार, माँ बाप के टैलेंट है मोर अंदर में अभी ट्राई करते ने माँ। तो डांस से शुरुआत करे रहे हूँ, ओखर बाद डांस ड्रामा करे रहे हूँ, फिर ओखर बाद ड्रामा भी करे रहे हूँ, और अब चलत चलत एक्टिंग में आगे बढ़ गए हूँ। तो ये सब के बाद मैं अपने मम्मी पापा ला बोले रहे हूँ कि मोला इसी फील्ड में करियर बनाना है, एकर बारे में ही पढ़ाई लिखाई करना है मोला। तो कॉलेज के खोजबीन हमन करे रहे, तो हैदराबाद के प्रसिद्ध कॉलेज है अन्नपूर्णा कॉलेज ऑफ फिल्म एंड मीडिया, वहीं ले मैं फिल्म मेकिंग के पढ़ाई पूरा करे रहे हूँ, ओखर बाद ये लाइन में आ गए हूँ। उनकर बाद फिर आप दुल्हनिया का लुक लाने वाला फिल्म में, बिल्कुल, तो वोकर बारे में कि जिन राधिका कैरेक्टर है गुंजन जिन हबज वोकर बाद राधिका आता, तो वो गुंजन कौन है, गुंजन कैसे सिनेमा की ओर आती है? तो मैं एक्चुअली मॉडलिंग में हूँ 4 साल से, और एक्टिंग का एक जो कीड़ा रहता है ना वो कहीं ना कहीं मतलब मेरे को लगता था अंदर है, तो आगे मतलब मैं सोची थी कि मतलब मैं भी फिल्म वगैरह का कोर्स करूँगी, और यहाँ से नहीं बॉम्बे से करने का मेरा बहुत मन था, और मैं कथक सीख रही हूँ 3 साल से, डिप्लोमा कर रही हूँ कथक में, और ग्रेजुएशन भी मेरा मन है मैं उसी में करूँ। तो अचानक से मतलब मैं डिकैथलॉन में जॉब कर रही थी, तब मुझे अचानक से इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के थ्रू ऑफर आता है फिल्म का, और तब मुझे नहीं पता था कि ये संजू के दुल्हनिया है। तब मैं ऑडिशन के लिए गई, ऑडिशन दिया मैंने, और तब मेरा ऑडिशन क्लियर हुआ। उसके बाद मैंने सोच लिया कि बस मतलब वो ऊपर वाले की मतलब बोल सकते हैं कृपा है, और कि मेरी किस्मत है कि मुझे फिल्म मिली, और मैं बोलूँगी मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल मैं उस चीज़ के लिए। तो ऐसे गुंजन बनी राधिका। तो ये जो है गुंजन बनी राधिका, और राधिका के जो कैरेक्टर को बनाने वाले लिखने वाले हैं, पिक्चर के सामने लाने वाले, कैमरे के सामने लाने वाले हैं हितेश जी, फिर से हम आते हैं आपके पास, और हमन जिन बात कर रहे थे संगवारी हो, अब जिन दायरा हमन जिन छत्तीसगढ़ी हो हिंदी में घलोक बात कर रहा था अपन, वो में जिन एक ट्विस्ट है, कैसे ट्विस्ट है कि ये फिल्म में नवा प्रयोग है कि हिंदी छत्तीसगढ़ी में घलोक दोनों के मतलब जब शूट हुई सब या डबिंग बात होती थी, एकर का कहानी है?
एकर कहानी में आप मतलब बताऊं, लेकिन अभी अभी हमर तेज भाई जेन है हमर फिल्म के ट्रेलर देख के आए, तो ओकर ले जानथन पहली कि ओला कैसे लगी हमर फिल्म के ट्रेलर। क्या बात है, मैं इंटरव्यू करे बर आया हूं, मोर गर्ल पूछ लिस, तो संगवारी हो मैं बताऊं कि जेन ट्रेलर जेन हबे आरुग म्यूजिक में हबे वो मैं आप मन जब देखता हूं कि संजू की दुल्हनिया, तो वोला आप मन साउंड में देखूं, वो अगर एक्टिंग में देखूं, डायरेक्शन में देखूं, बहुत खूबसूरत जेन तालमेल हबे। एकर से पहले जब फिल्म की मैं बात करता हूं कि अभी जेन चला था बहुत नवा है, बहुत नवा है, कैरेक्टर नया है, लोगन मन हबे वो मौलिकता लेके आए हबे कि कोनो एमे हबे कि संघर्ष करे हबे, आउटपुट जेन हबे आप खुद जाके देखो और कमेंट में घलोक बताओ कि आप लगे से लगे कि आप लगे तेज ला तो अच्छा लगे देखकर सती यहाँ बैठे। तो अब जिन आपके सवाल रही ओकर जवाब के भाई, मोर क्वेश्चन भी यही जवाब के सिलसिला में ही रही कि फिल्म में आप ला अलग काय दिखाई दे, आप ला भी अलग दिखाई दे हुई फिल्म में, जो अभी तक हमन छत्तीसगढ़ी फिल्म बना थन छत्तीसगढ़ में, मोर मानना है कि वो आज से 15-20 साल पुराना के पिक्चराइजेशन के तरीका है जिन आज हमन वर्तमान छत्तीसगढ़ी फिल्म में दिखाथन। मनीष मानिकपुरी भाई है, यंग डायरेक्टर है, ओकर अभी फिल्म आए रही मार डारे मया में, ओमा ढंग के अच्छा पिक्चराइजेशन देखे बर मिली से, कुछ कुछ और फिल्म में प्रेम युद्ध आए रही वहू में पिक्चराइजेशन अच्छा देखे बर मिली, मतलब टेक्निकली इम्प्रूव हुआ थे। दो चीज़ है, टेक्निकल और डायरेक्शन, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते सब चीज़ के फैसला कर, टेक्निकल के फैसला करैया कायदे से देखा जाए तो फिल्म के डायरेक्टर, फिल्म के क्रू, फिल्म के प्रोड्यूसर, मतलब जेन वो टीम ला चलाने वाला है ओ मन के ऊपर ये बात की जिम्मेदारी होते। अब डायरेक्शन, डायरेक्शन कहाँ काम आते, डायरेक्शन वहाँ काम आते कि एक डायरेक्टर अगर कोई फिल्म बनाइस, कोई विषय ला दिखाइस, तो ओकर दिखाए के तरीका और वो पब्लिक ला पसंद आए, अगर वो पब्लिक ला पसंद आते तो वो डायरेक्टर के काम अच्छा है, अगर वो पब्लिक ला पसंद नहीं आए तो वो डायरेक्टर के काम बुरा है, ऐसे हमन कही सकत हन। लेकिन जिन टेक्निकल पार्ट बोले तो ये फिल्म टेक्निकली आप मनला बहुत इम्प्रूव्ड दिखाई दी ही। टेक्निकली कह के मतलब है जैसे आज हमला साउथ इंडियन फिल्म क्लियर दिखाई देते, शॉर्ट टेकिंग होते होकर खूबसूरत तरीका से हर इमोशंस के हिसाब से शॉर्ट कट थे, कोई छत्तीसगढ़ हमारे बहुत खूबसूरत है तो ये खूबसूरती ला कैसे दिखाना है ड्रोन शॉट के माध्यम से या जो आप शॉट लगाते होकर माध्यम से, आपला बॉलीवुड साउथ इंडिया के भाई ओमन के बजट ज़्यादा होते, ओमन के बजट ज़्यादा होते, वो खूबसूरती अलग तरीके से दिखते, लेकिन फिर भी आप मन देखो ये फिल्म एक एग्जांपल सेट करी, चले ना चले वो एक अलग बात है, पर ये फिल्म गारंटी देवत हूँ एक एग्जांपल सेट करी और छत्तीसगढ़ के फिल्म इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में अपन महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। नवा नवा कलाकार आते, एक जुन्ना जिन कलाकार है वो मैं जब डायरेक्शन करना बताना है, तू जन लड़का मन हाँ वो डेब्यू करे था, चैलेंजिंग रही थे कि वो कैरेक्टर ला बोला आप ला बताना है कैसे हो ही रोल कैमरा एक्शन वाला। देखो भाई ये तो आप ला फिल्म देख के समझ में आई, बिल्कुल सही बात है, रोल कैमरा एक्शन बोले में आसान है, करे में भी आसान है अगर आप ला अपन काम आते तो। ये फिल्म जब करें तो प्रक्रिया है, एक एक प्रक्रिया के साथ ही फिल्म बनते, कास्टिंग होते करबर, तो जब मैं दोनों एक्टर के मैं कास्टिंग करे एज ए डायरेक्टर तो वही टाइम क्लियर रहीस कि एज ए डायरेक्टर ये दोनों कलाकार से और एकर अलावा फिल्म में जते कलाकार काम करे ओकर से मैं अपन मतलब के काम करवा सकत। सिनेमा में आगे बढ़ा था वो तो ये जन फिल्म आया था है ना, एकर ले पहली डेब्यू हो गए इमेज, लेकिन एज ए डेब्यू वाला तो थोड़ा बैक में चलता है, एज ए हीरो एमा डेब्यू होवत है पर मोर डेब्यू 2003 में ही हो गए रही से। क्या बात, कम है छत्तीसगढ़ के शुरुआती सिनेमा के दौर में एक मूवी आई रही से सतीश जैन जी के, झन भूलो माँ बापला, याद है? बिल्कुल सुरता है, सबला देखा तुम मतलब पता है भाई। तो झन भूलो माँ बापला में एक ठन बच्चा रही से जेखर सर फट जाते और ठीक ठाक रोल रही से, वो बच्चा मैं ही रहो, वो पिक्चर में मोर पापा काम करे रही से, मोर मम्मी काम करे रही से, मोर दादी घलो काम करे रही से, तो पूरा झांझी खानदान जो है वो पिक्चर में काम करे रही से और मोर डेब्यू वो पिक्चर रही से, पर एज ए हीरो मोर डेब्यू ये है संजू के दुल्हनिया। क्या बात है, तो वो में जन हाँ एक मूड़ी फूटी रही सब है, मूड़ी घलो फोड़ा था बस, तो कैसे कैरेक्टर है संजू कैरेक्टर है संजू के कैरेक्टर हाँ तो एकदम राउडी है, एकदम राउडी है, आप मतलब देखे मैं बहुत मजा आई, दिल फेक है, दिल खोल है, चिल मार के जीवत है जीवन ला, चिल मार के एकदम चिल मार के, अच्छा चिल मार के चिल से सुरता ही बोला कि वो में देखें कि वो लिखे रही था नीचे में, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है,
स्वेट डंडिका के थे बोला का है मतलब पियत रहे हम इसकी ये करो कबार होते स्मोकिंग करना बाबू घलो खावा फिल्म में एकर का कहानी है एकर कहानी भी सुना था तो का हुए रही से कि ये पिक्चर के पहले मोला सिगरेट पीना नहीं आ रही से तो हितेश जी से मीटिंग वीटिंग वगैरह हो रही से तो हितेश जी मोला समझा रही से कि तोला सीखे भर तो पढ़ी क्योंकि संजू के कैरेक्टर राउडी है और राउडी कैरेक्टर के मुँह में सिगरेट नहीं हुई तो मज़ा नहीं आई तो सीखत रहे हूँ काम वाम करके सीखत रहे हूँ कैसे करना है का करना है पर हर्बल सिगरेट ला सीखे रहो तो अब कॉमेडी के किस्सा में आते तो ऐसे ही शूटिंग चलत रहे हर्बल ही भुगत रहे हूँ पूरे फिल्म की शूटिंग में तो मोर एक दोस्त बने से ए पिक्चर में ओकर नाम नहीं लूँ मैं तो एक सीन है कि मैं बाइक चलाता हूँ वो दोस्त मोर पीछे बैठे है वो असली सिगरेट पीवा थे ठीक है अब मोला तो हर्बल के आदत है हर्बल में कहा है नशा नहीं होते धुआं अंदर जाते धुआं बाहर आते तो पीछे बैठे बैठे वो असली सिगरेट ला पी के ए ले संजू तभी पी अब मैं तो समझ रहा हूँ कि हर्बल है पी डा रहे हूँ धीरे ले मोर सर घूमना शुरू हो गए अब बाइक भी चलाना है कट शॉर्ट चला थे कट नहीं बोला था डायरेक्टर मैंने बोला उमला पता नहीं चले से वो शॉर्ट चला था एक्टिंग भी करना है बाइक भी चलाना है बाइक ठोकना तो ये चीज़ की भी टेंशन है बोला तो ये कॉमेडी किस्सा हो रही से अब हो गए ठीक बात तो वो जन रॉडी वाला कैरेक्टर ला लेके आगे बढ़ता हूँ रॉडी फिल्म के याद आते तो रॉडी राठौर देखे हुआ आप मन वो में कौन है भाई अक्षय कुमार है सोनाक्षी सिन्हा है तो इमेजन अभिनेत्री है भाई गुंजन राधिका जन है मैं पहली बार जब देख रहा ट्रेलर ला तो चर्चा कर रहा हूँ कि मैं सोनाक्षी सिन्हा फेस मतलब छत्तीसगढ़ में एक जन ऐसे है तो राधिका जन आपके कैरेक्टर है वो कर बारे में बताओ चुलबुली तो हवा आप मन और वो में मया घलो करा था यार तो जैसा कि संजू का कैरेक्टर राउडी तो एक राउडी लड़के को काबू में करने के लिए वैसी लड़की भी तो होना चाहिए ना तो वैसा ही कैरेक्टर है मेरा कि मतलब ये किसी के हाथ में नहीं आ सकता बट मैं पूरा कंट्रोल कर सकती हूँ वो आप 4 सालों से मॉडलिंग में थे उसके बाद आप फिल्म में आते हैं तो उसमें क्या रहता है कि हम वॉक कर रहे हैं या डॉल कर रहे हैं इस पर बोलना होता है संवाद बोलना होता है संवाद बोलने में कितना मेहनत लगा और एक आध जो याद है आपको और उसके लिए ज़्यादा मेहनत की आपने बिल्कुल तो रही बात डायलॉग्स की एक तो ये छत्तीसगढ़ी मूवी है तो मेरे लिए लैंग्वेज भी बहुत नया है और मैंने एक महीने पूरी प्रैक्टिस की है और साथ ही साथ सर ने हितेश सर ने बहुत मदद की है ऑन सेट लक्षित ने मदद की है और मेरे जो फादर का रोल निभाया पूरन किरी सर उन्होंने मेरी मदद की है उन्होंने तो मतलब मेरे साथ मेरे डायलॉग्स प्रिपेयर करवाए हैं मेरे कि हाँ छत्तीसगढ़ी में तुम्हें बोलना है साथ में बोलना है तो मॉडलिंग कम्प्लीटली बहुत अलग है क्योंकि उसमें आपका फ़ोटोशूट रहता है रैम्प वॉक रहता है उसमें आपको बोलना नहीं रहता और एक्सप्रेशन वैसे नहीं रहते और एक्टिंग में आपको ऑन द स्पॉट डायरेक्टर की भी सुननी है आपको अपना मार्किंग भी याद रखना है सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है डायलॉग भी याद रखना है सही से बोलना है तो एक प्रेशर रहता है बट बहुत मज़ेदार रहता है वो बहुत कुछ सिखा के जाता है आपको तो मैं यही बोलूँगी कि बहुत मस्त था और अगर डायलॉग की बात है तो ट्रेलर में मैंने एक डायलॉग बोला मैं वो बताती हूँ आँखी से की काम हो गई ताका छू बोल बे क्या बात है वो कर बात क्या बोलता हूँ आई लव यू तो ट्रेलर में दिख जाता है हमें ट्रेलर दिखा देने में अब फिर से आता कि अलग अलग कैरेक्टर की बात होते तो रंजीत माझी जी वो पुनीत जी की बात हुई से तो मन स्थापित लोगों ने ये मन जिन हाँ दमदारी से चीज़ ला था मैं है ना तो इस बीच में आपके ऐसे फिल्म में आ था आप है ना बड़े कैरेक्टर में घलोक ला था तो आपके जन व्यक्तिगत अनुभव बताओ आप मन देखो भाई हाँ ये फिल्म में छत्तीसगढ़ के जाने माने कलाकार जैसे रजनीश झांझी सर उपासना वैष्णव मैम पूरनगिरी सर जिन मुंबई में बहुत अच्छा काम कर रहे थे संजय बत्रा सरला भी लेहन लेकिन ओकर आवाज़ ला लेहन मोला मौका मिली शायद जीवन में आगे कभी ओकर साथ काम करे के बहुत अच्छा कलाकार है एक अलावा पवन गुप्ता सर है जिन ला छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री अच्छा से जानते किरण वर्मा जी हैं मंजुलता राठौर जी हैं तो ये जिन मंझे हुए कलाकार हैं छत्तीसगढ़ के एमन के साथ काम करे के मोला मौका मिलीस और जैसे मैं आपला बोले हूँ कि जब आपला पता होते जब आपकी तैयारी होते ना आपला मजा आते मोला मजा आई से मन के साथ काम करे मैं काबर के मैं तो अपन मोर पहली फिल्म रही से मोर पहली फिल्म रही से लेकिन हाँ फिल्म मोर पहली है लेकिन ये कैमरा शूटिंग फिक्शन शूट करे वाला मामला मोर पर बहुत पुराना है और कायदा से कहा जाए तो मैं लंबा समय से अपन आपला ट्रेंड करत रहे हूँ ये चीज़ पर अब ये ट्रेनिंग कितना कामयाब हुई है
ये तो 8 जुलाई के जब फिल्म रिलीज हो जाए तो पब्लिक देख के बताई उमन के काय आशीर्वाद मिला थे। ये जिन हमारे साक्षात्कार के जिन कड़ी हवे महेश्वर नाग जी है ना, वो भैया जिन हवे पुलिस वाला घलो के और लिखत घलो हवे वो कर साथ आपके एक्सपीरियंस काम ला लेके वो कर व्यक्तित्व ला लेके फिल्म ला लेके। देखो भैया महेश्वर सर एडिशनल SP है, रायगढ़ पोस्टेड है अभी, और ये फिल्म के कथा और संवाद कहा जाए तो ये फिल्म के बीज सर के पास रही से जब हम ये डिस्कस करें ओकर बाद सर के अनुभव मोर फिल्म मेकिंग के अनुभव ये सारा चीज ला मिला के आज हमन संजू के दुल्हनिया नाम के पेड़ बनाए। और ये पेड़ बहुत खूबसूरत है, फूल वाला है, फल वाला है, ये आप मनला ट्रेलर देख के और ये फिल्म के गाना देख के समझ आत हो। अब रही बात महेश सर की, तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मोर मुलाकात महेश सर जैसे व्यक्ति से ले होइस ये फिल्म के, काबर के हर स्टेज में महेश सर जबरदस्त अपन 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 लिमिट से जाके सहयोग करे ये फिल्म में, चाहे वो बात लोकेशन के डिसीजन के हो या फिर राइटिंग के टाइम के हो या फिर गाना के सिलेक्शन के बात हो, तो महेश सर के बहुत महती योगदान है माँ, और महेश सर के हर लेवल पे मुला सहयोग मिले और ये सहयोग के ही परिणाम ये खूबसूरत फिल्म है जिला आप मन देखने वाला हो थिएटर में 8 जुलाई से। भाई लगभग पूरा सिनेमा के अलग अलग जैसे जगह पे लोगन मन जा था, डिस्ट्रीब्यूशन के काम वाम चला थे, एकर कैसे तैयारी चला था पोस्ट प्रोडक्शन? भैया बहुत शानदार तैयारी चला थे, हमारे DI के काम मुंबई से हुआ थे, हमारे फिल्म के 5.1 मिक्स के काम भी जहाँ भी हमला बेहतर ऑप्शन मिला थे हमन वहाँ से कराथन ओला। एकर अलावा डिस्ट्रीब्यूशन के काम भी बड़ा तगड़ा लेवल पर चला थे, लाभांश भाई जो हमार श्याम टॉकीज के मालिक है वो ये फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर है, बहुत अच्छा पुराना चावल है, तो बहुत अच्छा काम, तो मतलब अपन काम तो पता है मोर पहली फिल्म है, हीरो के पहली फिल्म है, हीरोइन के पहली फिल्म है। थोड़ा सी स्टोरी माथन काबर की ट्रेलर अपन आप में स्टोरियल कहा थे, तो आप मैंने स्टोरी के लिए थोड़ा सा बताओ। पहली तो मैं जानना चाहूँ आपला का स्टोरी समझ में है इस ट्रेलर में? वो में हाँ भाई कि लव है, रोमांस है ना, वो में जिन हाँ एक बदलक भावना का लोग है ना, वो में जिन इसे हाँ कि लव मैरिज के जब बात आते हैं स्वीकार रहता नहीं रहा है ना, तो ये में क्या हो जाता है हमें एक सब टाइप की चीज़ बना था भाई है ना स्टोरी ला, तो डायरेक्टर जिन होते ना वो कर से जिन हमन तो ठीक है भाई हमला तो हम जज करें हमन, आप ले कहा नहीं सुन वो हमन सुना दे। चलिए दर्शकों मैं आप लोगों को एक चैलेंज देता हूँ, तो संगवारी हो आप मन अगर ये फिल्म के ट्रेलर ला देख के ओकर स्टोरी ला बता दो तो जेन व्यक्ति भी ये चीज़ ला ब्रेक कर ही हमार प्रीमियर में वो फिल्म हमार टीम के साथ देखी और हमार साथ लंच भी कर ही और कुछ गिफ्ट भी मिलने वाला है ओला पर्सनली मोर तरफ से एज ए डायरेक्टर, काबर की ये फिल्म के कहानी अगर कोई ब्रेक कर ली तो वो मोर बर भी सरप्राइज हुई। बिल्कुल बिल्कुल हुई है, मैं हाँ इला कान में बताने वाला हूँ तो वो इसको क्या बात है कि बहुत जन बोलते हैं कि पिक्चर की स्टोरी था ट्रेलर देख के समझ में आ गए, लेकिन बात ये है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बहुत बाकी है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। आप मन सबों से इसे बोलूँ एक ना नहीं चलता ना एकदम कट कट कर मैं आता भाई 8 जुलाई 8 जुलाई 8 जुलाई। तो संगवारी हो 8 जुलाई को आवत है आप सभी के बीच संजू के दुल्हनिया। 8 जुलाई 2022 आप लोगों के साथ आ रहा है संजू के दुल्हनिया। तो 8 जुलाई को आ रहा है संजू के दुल्हनिया। तो संजू के दुल्हनिया आते 8 जुलाई के वो आप जाके देखना है, वो बहुत शुभकामना है आप अल्लाह कि संजू के दुल्हनिया जिन फिल्म है वो है एक नवा इतिहास ग्रह और एग्जाम्पल सेट करी काबर कि नवा नवा कलाकार मतलब जो आप मन अवसर दे हबो और वो जिन आउटपुट मिली वो हम सब लेते जा रहे हैं फिल्म के 8 जुलाई के इंतजार है, आप सब ला बहुत शुभकामना है। और हमन गोट बात करते रही वो काबर कि ऐसे जब होते कि टीम के साथ हमन बातचीत करा था लेकिन ये में एक कैरेक्टर करा घंटों बातचीत हो सकते, करबो घलो आराम से करबो, तेज के साथ रहो, दलोक मीडिया देखत रहो, जय जोहार जय जोहार।